बजरंग बली की बहुत ही विशाल मूर्ति है, बार बार देखने का मन कर रहा। नमस्कार, तो वेलकम बैक गाइस। आज हम लोग चल रहे हैं शिमला, तो शिमला कानपुर से जाएंगे वाया ट्रेन। सो इसकी जर्नी है वो बेसिकली हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, हमारी श्रम शक्ति है, रात में चलती है, वहाँ से उसमें बैठेंगे, दिल्ली जाएंगे और दिल्ली से कालका और कालका से हम पकड़ेंगे टॉय ट्रेन। तो ये पहला व्लॉग होने वाला है, तो इसमें शायद हो सकता है आपको मंदिर के दर्शन ना मिले लेकिन नेचर के दर्शन मिलेंगे, और शिमला पहुँच के हम लोग आपको वहाँ के मंदिरों के दर्शन कराएंगे। तो जो भी वहाँ का फेमस है, जैसे जाकू हिल है, वहाँ पे जाकू टेम्पल है, तो वहाँ के दर्शन कराएंगे, जो कि बताया जाता है 108 फीट की हनुमान जी की बहुत बड़ी प्रतिमा है, तो वो भी दर्शन कराएंगे। बहुत सारे मंदिर है वहाँ पे, उन सब के दर्शन कराएंगे आपको। तो अब ये सीरीज स्टार्ट हो रही है शिमला की। इसके बाद हम लोग वोटिंग करवाए थे, तो उसमें भी बहुत सारे लोगों ने बोला मनाली, शिमला, कुल्लू काफ़ी कम लोगों ने बोला, तो हम लोग फोकस करेंगे मेजरली मनाली पे और शिमला पे, ठीक है। तो पहले हम लोग शिमला चल रहे हैं, फिर मनाली का देखेंगे और वहाँ पे भी जो जो मंदिर हैं वहाँ के दर्शन कराएंगे। तो अभी पैकिंग वैकिंग पूरी स्टार्ट, मतलब कि कंप्लीट हो गई, लगभग लाइट चली गई, तो पैकिंग वैकिंग स्टार्ट हो गई है, लगभग कंप्लीट हो गई है। तो अभी बज रहे हैं 7, हम लोग यहाँ से घर से निकलेंगे अराउंड 9:30 के आसपास, और फिर जाएंगे सेंट्रल, कानपुर सेंट्रल, और वहाँ से चलेंगे शिमला के लिए। तो देखिए, सच बोल रहे थे, इसलिए लाइट जल गई, ठीक है। तो चलिए चलते हैं और आपको आगे कंटिन्यू दिखाएंगे। तो पहले कपड़े पे चेंज कर लेते हैं, रेडी हो जाते हैं और फिर चलते हैं। सो दोस्तों, मैं तैयार हो चुका हूँ और सामान वामान पैक हो गया है, तो ये इस लुक में थोड़ा चल रहा हूँ मैं। अब सीधे श्रम शक्ति पकड़ेंगे और पापा जी छोड़ने जा रहे हैं, तो चलते हैं स्टेशन और सीधे फिर स्टेशन आपको दिखाएंगे, और चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को, और थोड़ा सा मतलब आराम से दिखाएंगे हर चीज़ को, ठीक है। तो आप लोग चिप्स चुप्स जो भी लेना लेके बैठ जाइए, हर चीज़ को नॉर्मली दिखाएंगे कि कैसे जा रहे हैं, क्या क्या हो रहा है हर जगह, वो सब चीज़ें कवर करेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, मम्मी ने टीका लगा दिया, ठीक है, जाने से पहले हम लोग के यहाँ लगाया जाता है, और भगवान जी का आशीर्वाद ले लिया, और चलते हैं हम यहाँ से सीधे। ये देखो, ये हमारी बहन हंस रही थी, अब देखिए अपना मुँह छुपा दी। पता है आपको, व्लॉगिंग करना इतना आसान नहीं है, ईशा और सब लोग इतना हंसते हैं ना, मतलब आपको बेशरम बनना पड़ता है, ये रियलिटी है व्लॉगिंग की, ठीक है। आ जाती कभी कभार ऐसी, कभी कभार नहीं, जब भी आप सामने बनाओ तब भी आती है, ठीक है। तो अगर आपको घर में कोई ना हंस रहा हो तो बस फोन लेके ऐसे कुछ बकर बकर करिए। तो गाइस, हम लोग आ चुके हैं रेलवे स्टेशन पे, और मैंने अभी माइक नहीं लगाया तो आवाज़ नॉर्मल आ रही होगी। मैं दिखाता हूँ कितना साफ़ है कानपुर का रेलवे स्टेशन, लोग कहते हैं बहुत गंदा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कितना गंदा है। ये है कानपुर का रेलवे स्टेशन, पूरा चकनचौंध, बिल्कुल साफ, कोई भी गंदगी नहीं दिख रही। तो गाइस, ये रहा रेलवे स्टेशन यहाँ का। गाइस, आज फर्स्ट टाइम मैंने जो चीज़ देखी है ना, वो शायद ही किसी ने देखी होगी, मतलब मैं ये फर्स्ट टाइम देखा कि पूरे रेलवे स्टेशन में लाइट चली गई, बिल्कुल अंधेरा। आपको मैंने अभी वीडियो में दिखाया, पूरा अंधेरा, या मैं इसके बाद ऐड कर दूंगा उस वीडियो को, देखिएगा, एक मतलब समझ लीजिए कुछ नहीं दिखाई दे रहा, ऐसी हालत हो गई थी। सो ये हमारा प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म नंबर 1, यहाँ से श्रम शक्ति आती है जो दिल्ली जाएगी। तो अभी हम उसका वेट कर रहे हैं, अभी बज रहे हैं 11:30 के आसपास, वो 1 घंटे बाद आएगी, हम लोग पहले आ गए थे। तो मतलब ये चीज़ जो इंसिडेंट हुआ है ना, कि लाइट चली जाना पूरे प्लेटफॉर्म की, ये तो मैंने पहली बार देखा, बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा इस टाइम पे। मतलब जो ना डर लगता है कि चोरी हो जाए, कुछ हो जाएगा, तो वैसा वाला सीन हो गया था, फील हो गया था। तो दोनों बैग कस के पकड़ लिए, सब कुछ कर लिए थे,
ऐसा फीलिंग आने लगी थी, मैंने कहा ये क्या हुआ यार, आज तो पहली बार एक्सपीरियंस एक नया मिल गया। तो किसी के साथ अगर हुआ तो कमेंट में बताना मुझे कि किसके साथ हुआ ये। सो गाइस अभी क्या है कि बोगी की लाइट बंद हो गई है, तो मैं फ्लैश जला के वीडियो बना रहा हूँ। तो ट्रेन में लोग बैठ चुके हैं, और हुआ क्या है कि जो एक नंबर के भी मैंने आपको टिकट दिखाई, उन दोनों का ना हुआ, तो हुआ यहाँ ऐसा है कुछ कि जो सीट नंबर एक है उस पर दो लोग बैठ रहे हैं, कि उनके दोनों की टिकट सेम, सब कुछ है सेम है, ठीक है। तो थोड़ा सा जाँच पड़ताल की सही से, तो पता चला एक बंदे की टिकट वो करवा तो 1 जुलाई करा था, लेकिन 1 अगस्त की बुक हो गई है, और बाकी उसके साथ 3 लोग और हैं, उन सब की आज की डेट की है। तो अब जिसने भी बुक किया है उसने ये थोड़ी सी गलती कर दी है, वो बोल रहा है मेरी रिटर्न 4 तारीख की है, तो मैं 1 तारीख को अगस्त में जाके क्या करूँगा। तो अब TT आएगा, जो भी होगा वो देखा जाएगा। बाकी हाँ, हम लोग अब कानपुर से निकलने वाले हैं, ट्रेन चलने वाले थोड़ी देर में। सो ये सीन है, तो ये रहा अपडेट, अब निकलते हैं और आपको एक एक सही से बताएंगे कि हम लोग शिमला कैसे पहुँचे और क्या क्या हम लोगों ने नई चीज़ें देखी। देखिए कानपुर से दिल्ली तक तो मतलब कुछ ऐसी चीज़ नहीं है, अंधेरा रहेगा, रात के 12 बजे ट्रेन चल रही है, कुछ दिखने वाला नहीं है। तो दिल्ली पहुँचेंगे, वहाँ से शताब्दी पकड़ेंगे और चलेंगे कालका के लिए, तो वो मैं आपको दिखाऊँगा। कालका में ना बहुत ज़बरदस्त एक आपको टूर मिलेगा एक ट्रेन का, तो देखते हैं और चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं ट्रेन को। उसमें अब ट्रेन को क्या मतलब, ये हो गया कि वहाँ पे एक ट्रेन है जिसका नाम है टॉय ट्रेन, तो वो आपको दिखाएंगे। बहुत, मैं भी शायद पहली बार देखूँगा तो मुझे पता नहीं है। और एक बहुत दिलचस्प चीज़ है कि मेरी जो जर्नी है आज की वो कुछ इस तरीके की है कि श्रम शक्ति पहुँचेगी वहाँ पे 7:15 तक, ठीक है, अगर थोड़ा ठीक है। और अगली ट्रेन मेरी 7:40 की है, जो 7:40 वाली ट्रेन है वो पहुँचेगी 11:40 पे कालका, और 12 बजे मेरी 12:10 पे एक दूसरी ट्रेन है। तो अगर कोई भी ट्रेन लेट हुई तो मेरा पूरी मतलब सारी ट्रेनें छूट जाएंगी, तो ऐसा कुछ होने वाला है। तो देखते हैं सारी ट्रेनें सही से पकड़ पाते हैं कि नहीं, तो वो भी एक अच्छा सा मतलब एक एक्सपीरियंस रहेगा। तो चलिए देखते हैं, आपको बताते हैं कि ट्रेन छूटी या सही है, वो आपको आगे पूरा व्लॉग में दिखाई देगा। ये पूरा सीरीज़ बहुत लंबी होने वाली है, क्योंकि मैं थोड़ा सा डिटेल में हर चीज़ कवर करूँगा, हर चीज़ ब्यूटी और हर चीज़ आपको डिटेल में दिखाऊँगा। तो चलिए चलते हैं और आपको अब सीधे दिल्ली मिलते हैं। हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग दिल्ली पहुँच चुके हैं और समय अराउंड 6:30-7:30 हो रहा है, तो टाइमली पहुँच गए। अब हमारी जो ट्रेन है वो किसी और प्लेटफॉर्म पर है, और हमें जाना है अपने शताब्दी वाले प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर भी वो आई है ट्रेन, मुझे पता नहीं है। तो मैंने पूछा है एक लोग से, तो उन्होंने बताया कि 2 नंबर पे आती है शायद, तो एक बार कंफर्म करेंगे और 2 नंबर पे चलेंगे। और साथ में ही मतलब अभी तक की जर्नी ठीक है, नाश्ता वास्ता हो चुका है, सब कुछ सही है। और देखिए यहाँ पे रेलवे ने ना एक बहुत अच्छा काम किया है जो मुझे बहुत अच्छा लगा। रेलवे की चाय बहुत बेकार रहती है, ठीक है, और शुरू से चाय अच्छी बात होती है पीना, तो वो चाय जो होती है अब इस टाइम पे लोग मशीन से यूज़ कर रहे हैं, लिप्टन की मशीन इनके पास, उससे बनाते हैं, जिससे थोड़ी बेटर चाय बनती है। तो मुझे अच्छा लगा वो चीज़ कि थोड़ा ताज़ा सही भी मिल जाती है, ऐसा नहीं होता कि वो केतली वाली जो नहीं होती बार बार गर्म करके लेके आते हैं और अच्छी भी नहीं लगती, वो वाला सीन नहीं होता, अच्छा चाय मिल जाती है। तो अब वेट कर रहे हैं, आप सीधे सामान उठाते हैं अपना और वेट क्या कर रहे हैं, मतलब निकलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ और देखते हैं हम लोग की ट्रेन है, तो बैठते हैं उसमें। हेलो गाइस, अभी हम लोग बैठ चुके हैं शताब्दी में, और फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है शताब्दी का, ठीक है, इससे पहले मैं कभी बैठा नहीं हूँ। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, मतलब काफ़ी नीट एंड क्लीन है, मैंने इतनी साफ़ तो देखी नहीं थी, ठीक है, यहाँ तक कि थर्ड AC भी मैं देखता हूँ तो वो काफ़ी गंदी रहती हैं, लेकिन ये बहुत ही नीट एंड क्लीन है। सो काफ़ी अच्छा लगा बैठ के इसमें, और अब अभी बैठे हैं जस्ट, अभी देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी इसमें, न्यूज़पेपर मिलता है,
हर एक सीट पे एक पड़ा हुआ है, जो कि मतलब एक अपने में ही अलग चीज़ है। ये तो मतलब एक ऐसी चीज़ थी जो मैं खुद भी शॉक्ड हो गया देख के, कि हर एक सीट पे जिस पे जैसे ट्रिपलिंग सीट होती है, जैसे इसमें दो हैं और जैसे पिछले दो हैं उधर जाने, तो तीन तीन सीटें हैं, तो इन सब में क्या है कि तीन वाली सीटों में दो पड़े हुए हैं और दो वाली सीटों में एक पड़ा हुआ है, ऐसा चल रहा है। मतलब काफ़ी अच्छा लगा मुझे देख के ये चीज़ कि ऐसा भी होता है। ये तो मुझे पता ही नहीं था कि न्यूज़पेपर में भी इसमें मिलता है ट्रेन में, सो नाइस। और न्यूज़पेपर मिला है हिंदुस्तान वाला, तो एक अनाउंसमेंट हो रही है जिसमें बताया जा रहा है कि अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो आप सीधे कॉन्टैक्ट करिए और सब कुछ क्लीन हो जाए, कुछ सफाई से रिलेटेड इशू है कुछ भी है, सब कुछ आपका सही हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। सो चलिए जर्नी स्टार्ट करते हैं, और जब ट्रेन चलेगी तो अगर कोई अच्छे अच्छे शॉट्स दिखते हैं तो मैं आपको दिखाऊंगा। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ, जब हम लोग श्रम शक्ति से कानपुर से निकले थे और उतरे पहुँचे थे वहाँ पे, क्या बोलते हैं दिल्ली, तो वहाँ से प्लेटफॉर्म नंबर 2 एक अलग ही लेवल पे है। तो यहाँ पे क्या है कि जिगजैग वे में है, जैसे प्लेटफॉर्म नंबर 1 यहाँ पे है, दूसरा आगे है, तो आप समझ रहे, आपको चलना पड़ेगा अपने प्लेटफॉर्म पे, ऊपर चढ़ना पड़ेगा जो पास ओवर नहीं होता उस पर, और उस पर भी पास ओवर होने के बाद भी आपको आगे आना पड़ेगा। उसमें भी ऑप्शन है कि वो अलग दूसरे उस पर लेके जाता है आपको, तो उसके बाद आप प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आ सकते हो, ऐसा सीन है यहाँ पे। तो अराउंड जहाँ मैं उतरा था वहाँ से यहाँ तक 500-600 मीटर दूर होगा, ऊपर ही ऊपर, आप रेलवे स्टेशन ही में रहोगे, कहीं नहीं जाओगे नहीं, बस ऊपर ही ऊपर 500 मीटर के ऊपर दूरी थी इसकी। तो वहाँ पे कूली मिल गया था, उनसे मैंने पूछ लिया था, तो उन्होंने बता दिया था कि ऐसे ऐसे करके जाइए तभी पहुँच पाएंगे आप वहाँ पे। प्लेटफॉर्म नंबर 2 ऐसा नहीं है कि आप खड़े हो आपको दिख रहा है कि वो ट्रेन बिल्कुल हट जाए, सारी पटरियाँ दिख रही हैं तो दिखे कि वहाँ पर, ऐसा नहीं है। आपको ऊपर चढ़ना पड़ेगा, फिर ऊपर चढ़ के आगे आना पड़ेगा, तब प्लेटफॉर्म नंबर 2 स्टार्ट होगा। तो ये चीज़ है, तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी, मुझे लगा बताना चाहिए था, इसने बता दिया। अब यहाँ से सीधे कालका पहुँचेंगे, वहाँ से हमारी हिमालयन क्वीन है, तो देखते हैं सही टाइम पे पहुँच पाते हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ से निकलने का जो टाइमिंग है वो 7:40 है, वहाँ अराइवल का है 8:40, और काल जो हिमालयन क्वीन है वो 12:10 की है। देखते हैं क्या लेट होती है ये ट्रेन, मतलब तो थोड़ा सा टाइम क्रंच है। तो पहली जर्नी तो सही रही कि श्रम शक्ति से हम इस पर बिल्कुल सही टाइम पर पहुँच गए, दूसरा देखते हैं कैसा रहता है। मैं गया आपको ना इस ट्रेन का थोड़ा सा टूर देता हूँ, क्योंकि मेरे लिए तो न्यू है पूरा, ठीक है, मैं कभी इस ट्रेन के अंदर नहीं आया था। अब मुझे नहीं पता आप लोग कितने लोग आ चुके हो कितने नहीं आए हो, तो मैं एक टूर दे देता हूँ छोटा सा कि कैसा क्या चीज़ है यहाँ पे। सो गाइस मेरे सीट पे ना जस्ट सामने अगर आप देखें तो एक डेस्क दिए है जो ठीक ठाक है, ठीक है, इस पर आप चाय कप या नाश्ता जो भी मिलता है उसको खा सकते हैं, इसको वापस इस पर आप बंद कर सकते हो, ये सीन है। दूसरा यहाँ पे थोड़ा सा एक स्ट्रेचेबल दिया गया है, जहाँ पे पानी बॉटल होटल के लिए एक इधर दिया गया है, और फुट रेस्ट दिया गया है। और अगर मैं ऊपर जाऊँ तो ये है कुछ इसका लुक, और पीछे एक टीवी लगी हुई है, और ये गेट स्लाइड वाला है, साइड में स्लाइड होता है, तो ऐसे सामान रखने का इसमें दोनों साइड ऊपर और इधर भी है, दोनों साइड है। और आप लोग अगर लाइट जलाना चाहते हो तो ये रहा लाइट के लिए आपका, और ये बीच में आपको होल्स दिख रहे हैं, ये एसी है, और हर एक उस पर सॉकेट दिया गया है ऐसे सबके में। ये गजब की चीज़ें लगी, तो मेरा तो फर्स्ट टाइम ट्रैवल है, सो ये मेरा एक्सपीरियंस है फर्स्ट टाइम जो मैंने देखा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी नीट एंड क्लीन, सफाई अच्छी रखी गई है, सब कुछ बिल्कुल मस्त अच्छा लगा मुझे काफ़ी। तो यही था थोड़ा सा हल्का सा टूर, बीच में लाइट जल रही पूरी आपको दिख रही है। मुझे लगा था कि मैं हिमालयन क्वीन का थोड़ा सा दूंगा आपको कि अंदर कैसा दिखता है उसमें, लेकिन मुझे शताब्दी ज़्यादा अच्छी लग रही है, हिमालयन क्वीन देखी नहीं है तो मुझे पता नहीं है वो अंदर से कैसे लगती है बाहर से कैसे। ये बाहर से तो आपको पता ही है, जो अभी एक ट्रेन जा रही थी मैं दिखाया था वो वैसी है, और सेकेंड अंदर से कैसी मैंने आपको दिखा दिया, बिल्कुल साफ़ और सब कुछ है। अब हिमालयन क्वीन जब कालका में पहुँचेंगे तो वो भी आपको दिखाएंगे कि वो कैसे दिखती है। जर्नी स्टार्टेड। इन्होंने अभी हम लोग को रेलनेर की 10 वाली बोतल दी है, मुझे पता नहीं था रेलनेर की 15 के अलावा 10 की भी बोतल आती है, मुझे आइडिया नहीं था। यहाँ पे रेसिंग चल रही है हमारे ट्रेन और इस ट्रेन के बीच में।
तुरंत मुझे ब्रेकफास्ट कर लिया, उसके बाद उन्होंने टी दी है। टी में क्या एक पुड़िया लेके आते हैं ये, उस पुड़िया में एक डिप वाला होता है और एक पाउडर होता है। तो एक बंदा ये डिप वाला और पाउडर एक पुड़िया बना के देता है और एक कप देता है, साथ में एक बंदा पीछे कैटल में जो नहीं होता जिसे पानी गर्म रहता है उसमें वो देता है पानी, गर्म पानी। तो फिर उसके बाद चाय कैसे बनती है मैं दिखा देता हूँ आपको। सो गाइस ये रही चाय, IRCTC चाय। चाय ठीक ठीक है, मतलब उतनी अच्छी नहीं है, ठीक ठीक है, पी सकते हैं। अब फ्री में मिल रही तो पी लो, टिकट में इंक्लूड है लेकिन आप पीनी पड़ेगी, ऑप्शन नहीं कुछ दूसरा, तो पी सकते हैं। ठीक ठीक है, उतनी अच्छी नहीं जितनी अच्छी मुझे लिप्टन की वहाँ की टी लगी थी ना, जो स्टेशन मिली थी उसके मुकाबले इतनी अच्छी नहीं। लिप्टन वाली ठीक ठीक थी, वो अच्छी थी, मतलब वो मशीन से बनी थी और उसका कॉस्ट शायद 15 रुपीज़ था, तो वो ज़्यादा अच्छी लगी थी मुझे इंस्टेड ऑफ दिस। तो ये एक सीन है। हेलो गाइस, अभी हम लोग कुरुक्षेत्र पहुँचने वाले हैं, तो मैं आपको दिखाऊँगा कुरुक्षेत्र। अब स्टेशन ही दिखा सकता हूँ, उतर तो नहीं रहे मुझे एक्चुअल में, मैंने स्टेशन नहीं चेक किए थे कि कालका तक पहुँचने में बीच में कुरुक्षेत्र ही पड़ता ही नहीं पड़ता। तो मतलब जैसे अभी अनाउंसमेंट हुई मैं शॉक्ड हो गया, मैंने कहा कुरुक्षेत्र ही पड़ रहा है। मतलब अगली बार अगर कहीं भी कुरुक्षेत्र और महाभारत के बारे में कुछ जानना हुआ तो यहाँ पे आ सकते हैं इसी ट्रेन के थ्रू। तो मतलब मुझे थोड़ा सा अब आइडिया हो गया कि कैसे आना है और कितने बजे तक पहुँच सकता हूँ। तो ये एक सही चीज़ है कि मैं आराम से 10 बजे तक कुरुक्षेत्र के आसपास पहुँच सकता हूँ। ट्रेन स्लो हो रही है और अब कुरुक्षेत्र आने वाला है, तो वेट करते हैं। देखिए यहाँ पे भी बना हुआ था पूरा रथ, सब बने हुए थे, हर जगह पोस्टर्स बने हैं। चलिए कुरुक्षेत्र पहुँचते हैं और दिखाते हैं आपको कुरुक्षेत्र का स्टेशन कैसा है। कुरुक्षेत्र जंक्शन, सो हम कुरुक्षेत्र पहुँच चुके हैं। तो ये है स्टेशन कुरुक्षेत्र का, सो ये है कुरुक्षेत्र का रेलवे स्टेशन। काफ़ी साफ है और अच्छा बनाया गया, मेरे हिसाब से नया नया बना भी चीज़ें, ये जो पत्थर दिख रहे हैं सब लग रहे हैं नए नए भी लगे हुए हैं और कुछ जगह काम भी चल रहा है। सो ये है, हम आए हैं शायद प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। वर्क चल रहा है शायद, तो अभी कहीं पे भी कुछ वैसा नहीं बनाया गया। देखिए बाहर साइड पे दिख रहा है मुझे फोटोज बनी हुई भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन भगवान की। बाकी तो मुझे यहाँ पे रेलवे स्टेशन में तो दिख नहीं रहा कुछ भी, मतलब प्लेटफॉर्म 1 पे तो नहीं दिख रहा मुझे। और यहाँ बताया गया कहाँ पे गीता का उपदेश दिया गया था, ब्रह्म सरोवर कहाँ पे है, और ये सब चीज़ें दिखाई जा रही हैं इस पे। थोड़ा बहुत दिख सकता है आपको, मैं दिखा देता हूँ, ये रहा। सो मैं ट्रेन से नहीं उतरूँगा और यहाँ पे शायद कुछ छोटा मोटा आंदोलन चल रहा है या जय जय कुछ बोला जा रहा है, कुछ तो हो रहा है यहाँ पे। जो ये लोग झंडा लिए हैं शायद उस पर मोर पंख बना, तो ये कृष्ण भगवान जी का ही कुछ लिए हुए हैं झंडा। और ये अपने भी मतलब बहुत गजब का एक गूज बम टाइप है, नहीं तो अंदर से गजब की चीज़ आना की, मतलब यार कुरुक्षेत्र में आ गया, लाइफ में नहीं गया यार कभी मैं, ठीक है। सो फर्स्ट टाइम मैं कुरुक्षेत्र में आया हुआ हूँ, मुझे नहीं पता दिल्ली से इतना पास है कुरुक्षेत्र, वरना मैं शायद जब मैं स्टार्टिंग में दिल्ली में रहता था तो मैं ज़रूर आता कुरुक्षेत्र साइड में और यहाँ पर थोड़ा बहुत घूमने जरूर जाता, क्योंकि मुझे लग रहा शायद ये अप्रॉक्स मैं टाइम देखूँ तो बज रहे हैं 9:30 और 8 बजे के आसपास ट्रेन चली है 7:40 पे। तो आराम से अब 1-2 डेज़ की ट्रिप, सैटरडे संडे छुट्टी रहती है तो आराम से मतलब मैं जा सकता था यहाँ पे, पूरा घूम सकता था और पूरा सब कुछ मतलब बना सकता था, आप लोग को दिखा सकता था। तो मुझे आइडिया नहीं था यहाँ का, ना कभी मैंने सर्च किया उतना। तो ये चीज़ थी जो बहुत अच्छी लगी मुझे कि ऐसा भी है और बहुत ही मतलब गजब की फीलिंग आ रही है। और बस अभी अभी ट्रेन रुकी और चल भी दी है, दिख रही होगा वो ट्रेन चल दी है, उसके शायद 2 मिनट या 1 मिनट का स्टॉप था, लेकिन भाई ये गूज़बम
मैं बता नहीं सकता कितने आ रहे हैं। हाय, पीछे बहुआ है एक। सो मतलब ये जो घूस बम है ना, हाँ फीलिंग बता नहीं सकता, बहुत गजब की फीलिंग आ रही है कि मैं कुरुक्षेत्र में उसका। जय हो, जय हो भगवान, जय श्री कृष्ण भगवान। सो ये रहा कुरुक्षेत्र जंक्शन। जल्द आएंगे वापस यहाँ पे। ये जो फीलिंग है ना, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि उस टाइम मैं कहाँ खड़ा हूँ, जहाँ पे गीता का सार कहा गया था उस रेलवे स्टेशन पर। गजब की फीलिंग है ये, मतलब पूरा एनर्जी आ गई है शरीर के अंदर की यार। कुरुक्षेत्र जैसे अनाउंसमेंट हुई थी ना, कुरुक्षेत्र, मैं शॉक्ड हो गया। कुरुक्षेत्र आ रहा है, ये क्या, मतलब इट्स समथिंग बताया नहीं सकता, बहुत गजब की फीलिंग थी लिटरली। मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकता वर्ड्स में, ऐसी फीलिंग थी कि यार ये तो मतलब क्या हो गया। जय हो वासुदेव भगवान, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री कृष्ण। सो गाइस, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अंबाला कैंट जंक्शन। सो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं चंडीगढ़। गाइस, मैं अभी चंडीगढ़ पहुंच चुका हूं, और यहां पहुंचने के बाद ना एक नई चीज़ दिखी मुझे। रेलवे स्टेशन ऐसा भी बन सकता है, मुझे नहीं पता था। मतलब यहां पे जो फ्लोरिंग की गई है ना छत की, ये अलग ही लेवल पे। मतलब मैंने नहीं देखा अभी तक, ना कानपुर में, ना लखनऊ में, ना बेंगलोर में, कहीं नहीं देखा है, ना न्यू दिल्ली में भी नहीं देखी है। और ये यहां पे गजब का, मतलब फ्लोरिंग पूरी की गई, उसी में लाइटिंग सिस्टम जैसे नहीं होटलों में होती है या अच्छी जगहों पे होती है बेसिकली, वैसा यहाँ पे सिस्टम कर रखा है। दिखाता हूँ मैं आपको। सो ये रहा चंडीगढ़ का स्टेशन, और आप देखिए पूरी सब कुछ लाइटनिंग अंदर से है, इन बिल्ड जैसे नहीं होटलों में होता सब कुछ, वैसा सीन। मतलब काफ़ी नई चीज़ लगी ये चीज़, सब स्टेशन अगर अपनाना चाहें अपना सकते हैं, काफ़ी सही रहेगा, काफ़ी साफ भी रहेगा, अच्छा भी रहेगा। अच्छा है, काफ़ी अच्छे से बनाया गया इसको। गाइस, हम लोग अब कालका पहुँचने वाले हैं, और आपको ये चीज़ बताएं, यहाँ पहुँचते समय बहुत सारे माउंटेन दिखना स्टार्ट हो चुके हैं। तो जब हिमालयन क्वीन ट्रेन में बैठेंगे ना, तो मज़ा आने वाला है, कसम से बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि साइड बहुत ज़्यादा दूर हैं माउंटेन जो दिख रहा है मुझे, तो वो शायद उसी रूट से ही होते, उसी रूट से होते हुए बेसिकली हिमालयन क्वीन जाएगी, तो बहुत सही रहेगा सीन। और इधर भी पीछे साइड में मुझे माउंटेन दिख रहा है, तो हम लोग इधर साइड जा रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा व्यू आने वाला है। लेट्स सी कैसा रहता है। अब बस एक और डाउट है कि हिमालयन क्वीन थोड़ा पहाड़ से सट के चलती है, तो सही से व्यू देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे वो देखना पड़ेगा। लेट्स सी हमें कौन सी साइड की सीट मिलती है, कि पहाड़ के साइड वाली मिल जाती है या उधर ओपन वाली वो भी है। मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत अच्छा नज़ारा है यहाँ पे, एक सेकंड में दिखाता हूँ आपको। सो ये रहे माउंटेन्स, इस साइड भी माउंटेन्स दिख रहे हैं, लेकिन ये क्लियर भी है। आपने सुन लिया होगा, हम लोग कुछ ही देर में कालका पहुंच रहे हैं, तो वहां से ही ये व्यूज जो दिख रहे हैं आपको पीछे साइड में दिखने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है। मुझे नहीं निकलोगे, यहाँ पे थोड़ा शाइन कर रहा, ज्यादा रोशनी आ रही है, बहुत अच्छे अच्छे माउंटेन मुझे दिख रहे हैं। सो वेट, मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा। और अगर मैं सही सीट से बैठ गया तो आपको दिखाऊंगा, ट्राई करूँ जितना भी दिखा सकता हूँ, अच्छे अच्छे क्लिप्स या सिनेमेटिक जो शॉर्ट्स बोलते हैं ना, वो दिखा दूंगा, मज़ा आएगा। सो गाइस, हम लोग कालका स्टेशन पहुँच चुके हैं, तो जैसे कि हमारी जो ट्रेन है वो पीछे आपको दिख रही है, वो खड़ी है, ठीक है। सो अब मैंने अभी TTS पूछा कि जो हेरिटेज ट्रेन है हिमालयन क्वीन, वो तो छोटी लाइन पे चलती है, और ये बड़ी लाइन वाली ये शताब्दी है, ये सब चलती हैं, तो वो कहाँ चलेंगी। तो उन्होंने बताया पीछे साइड पे, वहाँ पे खड़ी रहती हैं वो। यहाँ से इनका प्लेटफॉर्म डिवाइड हो जाता है, और ये बड़ी लाइन यहाँ से ख़त्म हो जाती है, उसके बाद पीछे ही साइड पे आपकी, जहाँ ट्रेन आपके पीछे रुकी है, इसके पीछे वहाँ पे खड़ी हैं जो भी टॉय ट्रेन होती हैं, वो सब वहाँ खड़ी होते जाते हैं। तो हमें वहाँ से पिकअप करना है उस टॉय ट्रेन को। तो चलिए चलते हैं टॉय ट्रेन के पास, और अपनी सीट देखते हैं कहाँ पे, क्योंकि उसको भी अभी, ये ट्रेन हम लोग को ऑलमोस्ट इसने 12 मिनट पहले पहुँचा दिया,
तो हम लोग जितने भी बुकिंग किए थे उस सब की सब बिल्कुल परफेक्ट टाइम से थी और सब कुछ सही टाइम पे चल रहा है। अब हिमालयन क्वीन जो है वो 12:10 पे यहाँ से निकलेगी, तो थोड़ा बहुत स्नैक्स ले लेते हैं, स्नैक्स है लिक्विड में कुछ ले लेते हैं और फिर हिमालयन क्वीन में चल के बैठते हैं। सो ये रहा कालका और वहाँ से मिलेगी टॉय ट्रेन। Thank you.